कर्नल प्रसाद पुरोहित साध्या वेशात न्यायालयात हजर झाले। संरक्षण खात्याचे अनेक जवान साध्या वेशात न्यायालयात आले। संरक्षण खात्याच्या ताफ्यात कर्नल पुरोहितला कोर्टाने कमांडिंग अधिकाऱ्याला ताफ्याचा प्रमुख बनवून फौज फाट्यासह पुरोहित कोर्टात आले। 15 दिवस सुट्टी करता कर्नल पुरोहितने संरक्षण खात्यात अर्ज केलाय। या संदर्भात सध्या कर्नल प्रसाद पुरोहित यांची पत्नी अपर्णा पुरोहित बोलता है, आपण पाहूयात। स्पेशली मेरा छोटा बेटा अभी मिला तो इट वॉज ही कॉट हिम एंड बहुत रोया है। वेरी रोशन कि बार बार ये कहते आए हैं कि आप जो भी पूरा मामला चला रहे हो राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम रियली टेलिंग यू, ये राजनीतिक थिंग्स पे आई रियली डोंट नो। आई एम एब्सोल्युटली फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड, सिंपल आई एम होपिंग फॉर अ सिंपल लाइफ। So all this is actually out of our न्याय हुआ है, न्याय आगे होगा। Confident is he about getting a discharge in this case, and also how if you can let's see how the things go on, because the case is still going on over here, so we'll take it from that. Just brief and sum it up for us as to how was the day yesterday? It was the first day after he was out from the jail. What exactly transpired? How was the day? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी मेट यस इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर द होल फैमिली एंड वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम नॉट एनीथिंग एल्स बट जस्ट सिटिंग विथ हिम एंड चिट चैटिंग ऑल अलोंग फुल डे वी वर जस्ट वी वर कंटिन्यूसली टॉकिंग विथ ईच अदर सो प्रोबेबली मेकिंग अप फॉर ऑल द लॉस्ट टाइम जब वो आए हम मिले उनसे तो मतलब बहुत इमोशनल रहा। हम पूरा दिन सिर्फ बैठ के बातें किए उनके साथ, पूरे फैमिली के साथ, मतलब इकट्ठा बैठ के जो चर्चा होती है सिंपल फैमिली चर्चा, सो इट वाज मोर ऑफ दैट। तेच मी सांगते की खूप इमोशनल वन सेंटेन्स वॉज की म्हणजे रात्रीच्या वेळेसुद्धा आम्ही जेवल्यानंतर एक चक्कर मारणं तर तेवढं सुद्धा झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।